जी वालेकुम व्यूअर्स आई होप आप सब ठीक होंगे मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आप लोगों का यू आई यू एक्स डिज़ाइनर सो so, मैं आपको वेलकम करता हूँ डिवाइन क्रिएटर्स चैनल पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारी वीडियोज़ के बारे में और आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते ना लाइक करते हैं प्लीज़ डू दैट इज़ वेल सो आज की वीडियो जो है वो उसमें मैंने आपको ये बताना है कि मटेरियल डिज़ाइन जो मटेरियल यू 3.0 में आपको कोर्स करा रहा था पूरा उसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो रिलेटेड टू डायलॉग बॉक्स है कि अलर्ट डायलॉग्स आप लोग कैसे बना सकते हो सिर्फ अलर्ट डायलॉग्स नहीं बल्कि आप इसको एक नाम दे सकते हो डायलॉग्स मटीरियल यू ने इसको नाम दिया डायलॉग्स सो डायलॉग्स क्या होते हैं आप उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हो और किन स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको उसे डिज़ाइन करना होगा लाइक इन मोबाइल ऐप आप मोबाइल ऐप में कैसे उसको डिज़ाइन करोगे आप उसको वेब एप्लीकेशन में कैसे डिज़ाइन करोगे वेबसाइट में या फिर डिस्टॉप एप्लीकेशन में आप उसको कैसे डिज़ाइन करोगे और उसकी क्या साइजिंग होती है और कब आपको अलर्ट डायलॉग या फिर कोई डायलॉग बॉक्स चाहिए होता है तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज की वीडियो में बतानी है तो so, प्लीज़ आपने पूरी वीडियो देखनी है एंड लेट्स गो टू द स्क्रीन सो so, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने डायलॉग्स ओपन किया हुआ है लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो so, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डायलॉग्स प्रोवाइड इम्पोर्टेंट प्रॉम्प दे कैन रिक्वायर इन एक्शन कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन और हेल्प यूजर्स अकॉम्पलिश अ टास्क हम यहाँ पे डायलॉग्स की बात कर रहे हैं कि डायलॉग्स जो होते हैं वो होते क्या है उनका क्या यूज होता है और हम यू डिज़ाइन में इसको क्यों यूज़ करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन हो गई या फिर वेबसाइट्स हो गई हम इसको यूज़ क्यों करते हैं तो एक सिंपल आंसर है इसका काफ़ी सिंपल आंसर है अलर्ट डायलॉग हम इसलिए यूज़ करते हैं या फिर डायलॉग बॉक्सेस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि यूज़र का जो एक्सपीरियंस है यूज़र का जो गोल है मेन गोल वो जल्दी से जल्दी वो अचीव कर लें तो उसके लिए हमें क्या करना होता है या तो हम ये जो पूरा काम होता है जो हम डायलॉग बॉक्स में शो कराते हैं उसको डिस्प्ले कराते हैं यूज़र को या तो हम वो नेक्स्ट स्क्रीन में उसको डिज़ाइन करके देते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि उसका जो बेसिक जो डाटा होता है उससे उसका माइंड जो होता है वो हट जाता है तो हम क्या करते हैं हम उसको रिलेट करना चाहते हैं उस डाटा के साथ तो हमें क्या करना होता है हम डायलॉग बॉक्स डिजाइन करते हैं तो इसमें दो किस्म के वो हैं टू टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्स एक होता है बेसिक डायलॉग बॉक्स और दूसरा होता है फुल स्क्रीन डायलॉग बॉक्स बेसिक डायलॉग बॉक्स इस तरह का होता है कि आप एक हॉवर जो लाइक एक पॉपअप सा दिखाते हो बैक पे आपका पूरा डाटा होता है लाइक पूरी एक्चुअल स्क्रीन ही होती है लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इधर मैं लिख दूंगा डायलॉग यू आई डिजाइन एंड इमेज पे जाते हैं आपको मैं बताता हूँ डायलॉग किस तरह होता है सो so, ये आप देखें कि एक अलर्ट डायलॉग है मैं कोई चीज यहाँ पे डिस्कार्ड कर रहा हूँ लाइक like, uh, मैं कोई मैसेज सेंड कर रहा हूँ या फिर मैं कोई uh, चीज बना रहा हूँ यहाँ पे लाइक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ इनबॉक्स में एंड मैंने फिर कैंसिल किया तो मुझे ये पॉपअप नजर आया कि आप डिस्कार्ड करना चाहते हो ड्राफ्ट को सो so, यहाँ पे ऑप्शन दे, दे दिए गए हैं कि और तो so, ये एक अलर्ट टाइप डायलॉग है। so, आपका एक्चुअल डाटा बैक पे होता है तो so, ये आपका हो गया एक बेसिक डायलॉग बॉक्स एंड सेकेंड पे हम आते हैं मैंने ये सारा कुछ आप, आप लोगों के लिए ओपन किया है कि आप लोगों को यहाँ से भी समझ आए सो so, डिस्कटॉप एंड ओके सो मोबाइल ऐप पे आपको मैंने दिखा दिया कि बेसिक जो डायलॉग बॉक्स होता है बेसिक वो इस तरह से होता है एंड ये आपको मोबाइल ऐप पे मैंने समझा दिया तो फर्स्ट टाइप इसका था बेसिक डायलॉग बॉक्स एंड जो सेकंड है वो है फुल स्क्रीन डायलॉग बॉक्स तो फुल स्क्रीन में होता है कि हमारे पास कभी कभार डाटा जो होता है यहाँ पे आप देख रहे हो कि डाटा कम है तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं एक बेसिक डायलॉग बॉक्स पे लेकिन अगर कभी कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे आपके पास लाइक like, कुछ सिनेरियोज में डाटा ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन को अवॉइड करने के लिए हम आ, उसी स्क्रीन पे हम क्या करते हैं एक कंप्लीट उस पर ओवरफ्लो लगा देते हैं लाइक दिस वन मैं आपको यहाँ पे शो कराता हूँ फुल पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे इसकी वीडियो आप चेक कर लें वीडियो में आप देखें कि यहाँ पे मैं इसको फुल प्ले कर देता हूँ अब देखें सो so, ये आप देखें इसने जब प्लस पे क्लिक किया तो इस तरह से इसके पास वो पेज नहीं हटा वो पेज उधर ही है लेकिन इसी पेज के ऊपर एक ओवरले आ गया जिसको हम क्या कहते हैं फुल स्क्रीन डायलॉग बॉक्स तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेगा वापस अपनी स्क्रीन पे आ जाएगा तो ये आपको शो कराता है कि दिस इज फुल स्क्रीन डायलॉग बॉक्स तो यहाँ पे अब देखें डाटा ज्यादा है तो डाटा हम जब ज्यादा रख रहे हैं तो इसके लिए अफकोर्स हमें यही जो फुल स्क्रीन डायलॉग बॉक्स होता है हम ये यूज करेंगे तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी अब जो है अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि बेसिक डायलॉग बॉक्स को हम मोबाइल स्क्रीन में एंड डेस्कटॉप स्क्रीन में या फिर वेबसाइट में इस तरह से शो कराते हैं लाइक like, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया इसकी ज्यादा है लेकिन इस तरह नहीं होता अमूमन ऐसे ही होता है तो हम ऐसे ही यूज करते हैं लाइक थोड़ा नीचे आते हैं शायद इन्होंने यहाँ पे कहीं पे दिया होगा कोई स्क्रीनशॉट दी होगी ये अब बहुत ज्यादा लार्ज है तो इसको आपने क्या करना है इसको आपने थोड़ा लाइक इन्होंने कहा कैन रीच मैक्सिमम हाइट एंड ऑफ पी ऑन द लार्ज स्क्रीन जितने आपकी स्क्रीन लार्ज होगी उसके मुताबिक आप उसको मैक्सिमम जो है उसकी विड्थ एंड हाइट 560 पिक्सल रख सकते हैं डीपी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने मोबाइल पे इसको ऐसे शो कराया फुल स्क्रीन में बट डेस्कटॉप में हमने क्या किया या फिर टैबलेट में हमने क्या किया इसको बेसिक में शो करा दिया तो ये अपने रिस्पोंसिवनेस का आ, देखना है ख्याल रखना है कि आपको ऐसी शो कराना है। ये नहीं कि आप टैबलेट या फिर वेबसाइट में भी पूरा का पूरा लेआउट आप यूज कर ले फॉर जस्ट अ सिंगल डायलॉग बॉक्स एंड ये आपने अवॉइड करना है कि लाइक like, पॉपअप्स जो होते हैं जो लाइक like, uh, जो ये डायलॉग बॉक्स है ये आपका सेंटर में आते हैं हमेशा सेंटर में आता है इसकी पोजीशन आपने चेंज नहीं करनी राइट right पे लेफ्ट पे अप या डाउन ये यहाँ यूज नहीं करने हमेशा आपके सेंटर पे आएगा जो आपकी जो बॉडी है जिससे रिलेट कर रहा है वो उसके सेंटर में आपने बनाना है तो डेस्कटॉप में आपका इस तरह से शो होगा एग्जैक्टली इन द सेंटर एंड यहाँ पे लार्ज स्क्रीन में आप इसको ऐसे बेसिक डायलॉग्स कैन बी कस्टम पोजिशन बेसिक डायलॉग को आप कस्टम पोजीशन दे सकते हो लाइक बेसिक डायलॉग मैंने आपको बताया ये बेसिक डायलॉग है आप कस्टम पोजीशन दे सकते हो लेकिन जो लार्ज होते हैं इनको आपने सेंटर में रखना होता है ताकि डाटा आपका यूजर उसका फोकस ज्यादा जाए वहां पे तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी एंड इसका जो यूसेज जो कुछ भी है वो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपने इसकी स्पेसिफिकेशंस याद रखने हैं तो स्पेक्स पे जाएंगे एंड स्पेक्स पे जब मैंने यहाँ पे ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास कुछ साइजेस वगैरह इनके आ जाएंगे ये आप देख सकते हो नंबर वन है वो इन्होंने एक रेक्टेंगल लिया जैसे कि यहाँ पे है कंटेनर कलर उन्होंने वाइट कलर दे दिया एंड उसके अलावा एलिवेशन थोड़ी दे दी एंड उसके बाद सेकंड पे उन्होंने क्या किया एक आइकन रख uh, दिया यहाँ uh, दि, पे लाइक रीसेट सेटिंग है तो रीसेट के मुताबिक ये लोग रीसेट का आइकन यूज करेंगे एंड थर्ड पे इन्होंने एक टाइटल लिखा रीसेट सेटिंग उसके बाद नंबर फोर पे आया डिस्क्रिप्शन एक हेल्पफुल डिस्क्रिप्शन हम इसको कहते हैं कि आ, यूजर की हेल्प हो सके यूजर को समझ आए कि ये है किस चीज के लिए

वो अलग सिनेरियोज होती हैं आपने पूरे यूएक्स उसकी आपने स्टडी करनी होती है कि रेड कलर में हम डिलीट को शो कराएं या फिर लाइक like, उसको कहते हैं कि आपने प्राइमरी कलर में शो कराना है या फिर सेकेंडरी या फिर ट्रेसरी कलर में आपने शो कराना है उसको ताकि यूजर का फोकस डिलीट पे जाए या फिर कैंसिल पे जाए तो अगर ज्यादा जरूरी हुआ डिलीट कराना तो आप डिलीट पे फोकस कराओगे यूजर का लेकिन अगर कैंसिल कराना हो लाइक like, यूजर का फोकस करना है कि लाइक ये कोई इस तरह का एक्शन है जिससे मुझे बाद में अफसोस हो सकता है डिलीट लाइक कोई डाटा आप डिलीट करवा रहे हो यूज़र से और यूज़र दो तीन दिन बाद फिर वापस आए कि यार ये मैंने क्या कर दिया सो so, उस केसेस में उससे उन सिनेरियोस में आपने यूज़र के एक्शन के बारे में आपने सोचना है तो ये आपका पूरा एक डिज़ाइन हो गया आप इसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हो डिज़ाइन कर सकते हो एंड इसकी जो साइजिंग है लाइक अब ये जो है कि ये बेसिक इन्होंने डिज़ाइन बनाया है एंड ये आपने पूरा स्टडी करना है कि सरफेस सेकेंडरी

ड्रिबल पे सर्च कर सकते हो ड्रिबल पे आप जाके सर्च कर सकते हो अब आपको कोई एरर डायलॉग बॉक्स चाहिए तो मुझे यहाँ पे मैं जस्ट लिख दूंगा एरर डायलॉग बॉक्स तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे डिजाइन आ जाएंगे बहुत ज्यादा तो ये देखें एरर से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स ये देखें अगर आप डिलीट मीडिया करवाना चाहते हैं मीडिया को डिलीट करवाना चाहते हैं और यहाँ पे इन्होंने देखिए वार्निंग भी दी हुई है कि बाय डिलीटिंग दिस मीडिया एट कनेक्टेड हॉटस्पॉट विल आल्सो बी डिलीटेड सो ये एक सपोर्ट सपोर्टिव टेक्स्ट है आप यूजर को बता रहे हो कि इस एक्शन अगर आपने डिलीट पे प्रेस कर दिया तो आपको लाइक like आप क्या होगा आपकी इस डाटा के साथ सो so यहाँ पे इन्होंने इस तरह से कितना इन्होंने डिजाइन किया हुआ है तो ये आपकी काफी हेल्प कर सकता है यहाँ से भी आप देख सकते हो तो ये जो है आई होप आप लोगों को काफी समझ आ चुकी होगी तो so प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन पर भी, भी क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे हमारी वीडियोज के बारे में सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे बाय